Hello students, our question states that multiply 6 by 13 by the reciprocal of negative of 7 by 16. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें जो रेसिप्रोकल है उसके बारे में जानना पड़ेगा. तो रेसिप्रोकल ऑफ 7 बाई नेगेटिव ऑफ 16, 7 बाई 16 का जो रेसिप्रोकल होता है वो होगा नेगेटिव ऑफ 16 बाई 7, क्योंकि ये रेसिप्रोकल टर्म क्या होता है, बेसिकली उल्टा होता है. यहाँ पे 7 ऊपर है और 16 नीचे है, तो बेसिकली जो रेसिप्रोकल ऑफ -7 बाई 16 होगा वो क्या होगा, इसका उल्टा होगा. यानी कि 16 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा और ये नेगेटिव साइन हमेशा नेगेटिव रहता है. फिर हमें ये जो टर्म आया इसके साथ 6 बाई 13 को मल्टीप्लाई करना है. तो इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखिए कितना आएगा, 96 डिवाइडेड बाई 91. और जो नेगेटिव साइन है वो रह जाएगा क्योंकि 6 के साथ 16 मल्टीप्लाई होगा और 13 के साथ 7 मल्टीप्लाई होगा. तो हमें यहाँ पे जो आंसर मिल चुका है वो आंसर कितना है, तो हम लोग लिखेंगे आंसर इज बेसिकली इक्वल्स टू 96 डिवाइडेड बाई 91. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू.